नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे रफ़ी साहब की और उनकी आवाज़ को खूबसूरत धुनों में पिरोकर संगीत का अनोखा प्रयोग करने वाले जीनियस संगीतकार चित्रगुप्त की। संगीतकार चित्रगुप्त अपने दौर के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, लेकिन संगीत का शौक होने के कारण उन्होंने संगीतकार बनने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा स्थान है जहां कड़े संघर्ष के साथ साथ किस्मत का होना भी आवश्यक है। कई बार कलाकार काफ़ी जल्दी शोहरत पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग कड़े संघर्ष के बाद भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जिसके वो सचमुच हकदार होते हैं। अपने अनोखे और असंख्य हिट गीत देने के बाद भी चित्रगुप्त को वो शोहरत नहीं मिली जिसके वो सचमुच में हकदार थे, और उन्हें बी और सी ग्रेड की फिल्मों में संगीत देने का ज़्यादा अवसर मिला। चित्रगुप्त ने लगभग 150 से ज़्यादा फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें हिंदी के साथ भोजपुरी फिल्में भी थीं। और चित्रगुप्त ने रफ़ी साहब की आवाज़ का एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने अपने संगीत निर्देशन में रफ़ी साहब ने जो अनोखे गीत गाए उसकी शुरुआत होती है फिल्म भाभी से, जो कि आई थी 1957 में। इस फिल्म का चल उड़ जा रे पंछी गीत जब भी बजता है लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। ए पंछी के अब ये देश हुआ, चल उड़ जा रे पंछी। जानकारों के अनुसार चित्रगुप्त कभी भी गीत की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। भाभी फिल्म का यह गीत पहले तलत महमूद की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था, और तलत महमूद ने भी इस गीत को खूबसूरती से गाया था। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ। मगर इस गीत में जिस दर्द और अदायगी की ज़रूरत थी वो उन्हें तलत महमूद की आवाज़ में नहीं मिल रही थी, इसलिए इस गीत को चित्रगुप्त ने रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया, और उसके बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया। वो मस्त हवा वो उड़ना डाल, आँख का कांटा बन गई चाल ते। जहाँ एक ओर यह गीत विरह की पीड़ा को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर हालात से लड़ने की प्रेरणा भी देता है। चुन कर नगरी एक बसाई, जो तेरी मेहनत तेरे काम नाई, जाने से देकर ही कुछ जाना चल। इस फिल्म में रफी साहब की आवाज में एक डुएट और था, और ये भी काफी लोकप्रिय हुआ। मेरी चली रे चली चली रे पतंग मेरी चली रे चल। 1957 के बाद 1959 में फिल्म आई काली टोपी लाल रुमाल। इसका गीत लागी छूटे ना जबरदस्त लोकप्रिय रहा। छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब। इस गीत में रफी साहब का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। ६१ में चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में कई फिल्में आई जिनमें रफी साहब ने गीत गाए। फिल्म जबक का गीत तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, जो रफी साहब के साथ लता मंगेशकर ने गाया, अत्यधिक सफल रहा। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, मजबूर हमें याद रखना तेरी कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी पसंद हमें। 1961 में ही एक और फिल्म आई जिसका नाम था बड़ा आदमी। इस फिल्म में रफी साहब के साथ चित्रगुप्त ने शास्त्रीय संगीत का एक प्रयोग किया। न संग अखियां लागी आज, अखियां न संग अखियाज, जो मैं बार बार मेरे मन में प्यार नित ऐसा। नि सगा सगा नि सगा सगा नि सगा मामा गमा। 1961 के बाद 1962 में एक फिल्म आई मैं चुप रहूंगी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अत्यधिक कामयाब रही। इस फिल्म के वह गाने जो रफी साहब ने गाए थे उनके बोल थे, कोई बता दे दिल है कहाँ, चांद जाने कहाँ खो गया,
और मैं कौन हूँ कहाँ हूँ। चांद जाने कहाँ खो गया, चांद जाने कहाँ था, तुमको चेहरे से पर्दा हटाना ना था। चांदनी की को ये क्या हो गया, चांदनी को ये क्या हो गया, तुमको भी इस तरह मुस्कुराना ना था। चांद जाने प्यार कितना जवा, रात कितनी हंसी, आज चलते हुए थम चला के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। कोई बता दे दिल है जहाँ, क्यों होता है दर्द वहाँ। तीर चलाने घर में वैर को पाकर बेचारी मुड़ जाती है। कौन हूँ मैं कहाँ हूँ, मुझे ये हो नहीं, मैं कौन हूँ मैं कहाँ हूँ। इस फिल्म में एक और लोकप्रिय गीत है जिसके बोल हैं तुम ही हो माता तुम ही हो पिता। यह गीत आज भी स्कूलों में सुबह की प्रेयर के तौर पर गाया जाता है। उन्नीस सौ इकसठ के बाद 1962 में चित्रगुप्त के संगीत से सजी एक भोजपुरी फिल्म आई जिसका नाम था गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ई बो। चूंकि चित्रगुप्त बिहार से थे इसलिए भोजपुरी में संगीत निर्देशन उनके लिए सहज था, लेकिन भोजपुरी में गीत गाना रफ़ी साहब के लिए सहज नहीं था। लेकिन फिर भी रफ़ी साहब ने इस फिल्म का एक गीत सोनवा के पिंजरे में बंद भइल इस तरीके से गाया है जैसे लगता है कि रफ़ी साहब पंजाब के नहीं बल्कि बिहार के रहने वाले हों। के पिंजरा में बंद भइल हाय राम चिड़ैया उदास, टूट गइल डालिया चितर चितर गइल खोतवा, छूट गइल नील रे आकाश। यहाँ पर रफ़ी साहब का गायन कौशल एक बार फिर से हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी उसी सहजता और सरलता से गीत गा लेते थे। आसुआ के मोतिया निशानी मोर बाबुला, धार गए हम तोर पास सोनवा के पिंजरा। फिर साल 1965 में एक फिल्म आई जिसका नाम था आकाशदीप। इस फिल्म में रफी साहब का गाया हुआ गीत मुझे दर्द दिल का पता ना था हिट हो गया। हालांकि इस फिल्म का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर औसत रहा। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं भी मजे में था। सन 1965 में ही एक और फिल्म आई जिसका नाम था ऊंचे लोग। इस फिल्म का एक गीत जिसे चित्रगुप्त का अनोखा प्रयोग कहा जाता है रफी साहब ने बहुत ही खूबसूरती से गाया। दिल दीवाना रुत जागी वसल यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार। इस गीत को फिरोज खान पर फिल्माया गया। इस गीत में सुबह के माहौल में रफ़ी साहब ने इस तरह से गाया है मानो लगता है कि जैसे रफ़ी साहब की आवाज़ में ही सुबह हो रही हो। अपनी आवाज़ को रफ़ी साहब ने सुबह के माहौल में ढाल लिया था। दिल के कुछ लेके प्याम आई है, चाहत के कुछ लेके सलाम। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। रोमांटिक गानों के लिए सुरों को सजाने में चित्रगुप्त को महारत हासिल थी। चित्रगुप्त के इस दावे पर कि रफ़ी साहब की आवाज़ का सबसे अच्छा इस्तेमाल उन्होंने ही किया है, पर रफ़ी साहब के गाए हुए ये गीत जैसे मोहर लगाने का काम करते हैं। नाजुक न बनो हाय इतनी नाजुक न बनो, इतर हो नजाकत तो अदा होती है, हद से बढ़ जाए तो आप अपनी सजा होती है। यह गीत है फिल्म वासना का जो आई थी 1968 में। यह गीत
शायर साहिर लुधियानवी की एक लिखी हुई नज्म पर आधारित है। जिस्म का बोझ उठाए नहीं उठता तुमसे, जिंदगानी का कड़ा बोझ सहोगे कैसे। इस फिल्म में एक और गीत है जो कि अभिनेता राजकुमार पर फिल्माया गया है। रफ़ी साहब शराब छूते तक नहीं थे, लेकिन फिर भी इस गीत को उन्होंने बहुत ही मादकता से गाया है। इस दर जब ला दो के ना कुछ इतनी बढ़ा दो के ना कुछ याद, उसके क्या है वफा क्या है मोहब्बत क्या है दिल का क्या मोल है। हमने सब जान लिया है के हकीकत। इस गीत को भी लिखा है शायर साहिर लुधियानवी ने। आज के एपिसोड में इतना ही। इसी तरीके से हम आपके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।